हेलो एवरीवन, फिट होना है बट वॉक करने का टाइम नहीं है। डाइट प्लान फॉलो कर लिया, खाना पीना चेंज कर लिया, लेकिन वॉक करने का टाइम नहीं है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, मैं सिंपल से आपको टिप्स दूंगी इस प्रॉब्लम का अमेजिंग सोल्यूशन निकालने के लिए, और जो मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किए हैं ये टिप्स। बेसिकली हम बड़े शहरों में रहने वाले लोग ना चलना भूल गए हैं। हमें अगर घर से 200 मीटर की दूरी पे भी जाना है ना, तो हमें कार चाहिए। धूप बड़ी है, गर्मी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, ठीक है, या विंटर्स में ठंड बहुत है। अपनी इस आदत को आप त्याग दीजिए। आप नॉर्मल घर की ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, आपके घर के पास वाला जो मार्केट एरिया है या जो ग्रॉसरी की या सब्जी की शॉप है, ट्राई कीजिए कि आप उस शॉप तक पैदल चल कर जाएंगे, वॉक करते हुए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका ऑफिस अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वेरी लकी पीपल जो बड़े शहरों में होने के बावजूद भी ऑफिस के पास रहते हैं, तो आप लोग तो बहुत ही बढ़िया तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं कि अपने ऑफिस जो है पैदल जाना शुरू कीजिए, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, घर की जो सीढ़ियाँ हैं, अगर घर में लिफ्ट भी लगी हुई है, एलिवेटर लगा हुआ है, लेकिन स्टिल घर में आपका घर जो है दूसरी चौथी पांचवी मंजिल पर है, सीढ़ियाँ चढ़कर घर जाइए, सीढ़ियाँ चढ़कर घर से बाहर निकलिए। तो ये बेसिकली इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, और जो स्पेसिफिक टाइम आपको अपने वॉक और सैर के लिए निकालना पड़ता है ना, एक्सरसाइज के लिए निकालना पड़ता है, आपको वो नहीं निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ी सी पैसों की भी बचत होगी। पैसों की बचत तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आप फिट हो जाएंगे, आपकी बॉडी में डिजीजेज नहीं रहेंगे, आपके मेडिसिन पे जो मेडिकल एक्सपेंसेस होने हैं वो होने कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पेट्रोल का, आपका फ्यूल का खर्चा कम हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे अर्थ को मिलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी कम होगी। हम अपना कंट्रीब्यूशन कम कर पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। थैंक यू सो मच।